हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स पर एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत किया जा रहा है। बातें हमारी चल रही है शरीर की स्ट्रेंथ पर, और उसी क्रम में थोड़ी बातें और कह दो। अपने पास फिनॉल है, फिनॉल में हम एक क्लोरीन एटम ऑर्थो पोजीशन पर, क्लोरीन एटम मेटा पोजीशन पर और क्लोरीन एटम पैरा पोजीशन पर लगा दे, और इसके बाद इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में जाना है। इसके पहले भी क्लोरीन पर हम लोगों ने बात करी हुई है कि क्लोरीन क्या करता है। जब भी क्लोरीन को बेंजीन रिंग से तुम जोड़ोगे, क्लोरीन दो तरह से काम करता है। एक तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर मतलब रेजोनेंस, प्लस मतलब डोनेटिंग, या फिर इसी को प्लस एम इफेक्ट भी कहते हो, प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एक ही चीज के दो नाम। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता भी रहता है, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, माइनस का मतलब खींच रहा है और आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। और क्लोरीन के केस में रेजोनेंस कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि क्लोरीन का ऑर्बिटल 3p है और कार्बन का ऑर्बिटल 2p है। 2p ऑर्बिटल छोटा है, 3p ऑर्बिटल बड़ा है, तो दोनों में अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती है, पुअर मिक्सिंग, पुअर रेजोनेंस, खराब मिक्सिंग और खराब रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता है। तो खींचने वाला इफेक्ट ज्यादा होता है, डोनेट करने वाला इफेक्ट कम होता है। दोनों का नेट रिजल्ट क्या है? इट्स अ वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और रेजोनेंस को इग्नोर करो, इंडक्टिव इफेक्ट पर ध्यान दो कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा पावरफुल है। तो क्लोरीन यहां पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां लगा हुआ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां लगा हुआ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कहां से ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा? यहां से या यहां से? तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दूरी के साथ साथ घटता जाता है। जितना पास में रहेगा उतना ज्यादा काम करेगा, जितना दूर रहेगा उतना कम काम करेगा। तो यहां पर ये पास में है, ठीक, पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट खूब ज्यादा होगा, और दूर में तो इंडक्टिव इफेक्ट काफी कम हो जाएगा। तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और कमजोर तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे तुम इधर जाओगे, डिक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना लिख दिया ही काफी था। और इलेक्ट्रॉन जितना कम खींचेगा उतना ही कमजोर एसिडिक होगा, उतना ही कमजोर एसिड होगा, तो डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम ऐसे घटता जाएगा, ये सबसे स्ट्रांग एसिड, ये उससे कमजोर, ये सबसे कमजोर। इसके साथ साथ हम लोग एक और छोटा सा पॉइंट यहां पर क्लियर करेंगे। अपने पास फिनॉल है, फिनॉल के साथ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन पर, और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर। इन तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोगों को कंपैरिजन करना है। तो कैसे कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बहुत ध्यान से ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। कैसे इसको तुम करोगे ये ध्यान देना। नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम कॉन्जुगेट बेस वाला मेथड समझते हैं तो हम कहेंगे फिनॉल में जब यहां से OH बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बॉन्ड टूटने के बाद H पर प्लस और O पर माइनस,
फिर ये माइनस का चार्ज यहां से रेजोनेंस करके यहां, यहां से रेजोनेंस करके यहां, और यहां से रेजोनेंस करके यहां। और नाइट्रो ग्रुप अगर तुमने यहां लगा रखा है, यहां लगा रखा है तो निगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, यहां लगा रखा है तो कुछ खास मदद करेगा नहीं। तो ये नाइट्रो ग्रुप मदद करेगा निगेटिव चार्ज की, ये नाइट्रो ग्रुप मदद करेगा, ये मदद नहीं करेगा। मदद नहीं करेगा तो निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कोई बहुत फायदा इससे नहीं है, जबकि यहां पर फायदा है। तो हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज की मदद नहीं कर पा रहा है, ये निगेटिव चार्ज की मदद करेगा, ये निगेटिव चार्ज की मदद करेगा। तो ये मदद नहीं कर पाएगा तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एंड वीकेस्ट एसिड, ये सबसे कमजोर एसिड होगा यहां पर। इन दोनों में तुलना करी जाए, यहां पर भी रेजोनेंस काम करेगा, यहां पर भी रेजोनेंस काम करेगा, दोनों जगहों पर रेजोनेंस काम कर रहा है। ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये स्टेबल बनाएगा, निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये स्टेबल बनाएगा। तो दोनों ही नाइट्रो ग्रुप निगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है, एक्स्ट्रा फीचर ये है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर तुम जरा बनाओ OH, और इधर नाइट्रो का स्ट्रक्चर बना लो, तुम चाहो तो यहां प्लस और माइनस भी लिख दो। OH में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो H पर प्लस और O पर माइनस। H पर प्लस मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन जो इसे तुम लोग कहते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये हाइड्रोजन का निकलना आसान हो गया या बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तुम ऐसे सोचो, तुम किसी ने पकड़ लिया, तुम्हारा भागना पहले से आसान हो गया या मुश्किल हो गया। तो इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ लिया। तो ये हाइड्रोजन जितना आसानी से निकल सकता था अब उतना आसानी से नहीं निकल पाएगा, जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों इतना दूर दूर है कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन जब मर्जी होगा निकल करके जा सकता है। यहां पर हाइड्रोजन जब भी निकल कर भागने की कोशिश करेगा, इसने इसको पकड़ रखा है, इस ऑक्सीजन ने तो पकड़ा ही पकड़ा है हाइड्रोजन को, एक तरफ तो ऑक्सीजन ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ नाइट्रो ग्रुप ने भी पकड़ रखा है, तो हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहां पर। और इस वजह से तुम देखोगे कि ये जो है वीकर एसिड और ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड। कैसे कहा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया। तो ये दो पॉइंट्स आज के क्लास में हमने तुम्हें सिखाए कि फिनॉल के साथ ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर क्लोरीन एटम लगा दे तब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करोगे, फिनॉल के साथ ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दे तब एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करोगे। तो नाइट्रो ग्रुप के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ ऐसा, और क्लोरीन के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ हमने जैसा देखा था वैसा। तो इस क्लास में मेरी तरफ से फिर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।